तुमने बज वर्ड सुना ही होगा एंड इस टाइम में दो ही टाइप के लोग हैं इस दुनिया में जो ये वर्ड सुन के रिएक्ट करते हैं। एक हैं जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल समझते हैं एंड एक्चुअली सीखना चाहते हैं हाउ दे कैन इंप्लीमेंट एंड यूज AI इन देयर डे टू डे लाइफ, एंड दूसरे हैं जो सोचते हैं कि भाई मैं तो रिप्लेस हो जाऊंगा एंड भाई शायद तुम सही में हो भी जाओगे। रिसेंट टाइम्स में AI ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करी है, चाहे तुम AI मॉडल्स देख लो, चाहे ChatGPT हो, तुम्हारा सिंथेशिया हो, हेजन हो, इतने सारे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। दे हैव गॉन फ्रॉम लाइक शिट टू अ वेरी 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 क्रेजी लेवल एट दिस पॉइंट। हर चीज में AI यूज होता है, चाहे तुम्हारा रेज्यूमे रिव्यू होना हो जो कंपनी में तुम सबमिट कर रहे हो, या फिर बहुत सारी ऐसी जगह, चाहे वो कस्टमर सपोर्ट हो। एंड कंपनीज यही करना चाह रही हैं कि जहाँ जहाँ मैन पावर या फिर ऑपरेशंस एक्स्ट्रा यूज हो रहे हैं उसको AI से रिप्लेस कर रही हैं, ऑटोमेट कर रही हैं। एंड यार अगर तुम ध्यान से सोचो, जितने भी AI में एडवांसमेंट्स हो रही हैं उन सबके पीछे ह्यूमंस का ही हाथ है, एंड आगे भी जो एडवांसमेंट्स होती रहेंगी, ह्यूमंस आर द वन हु आर क्रिएटिंग दीज लाइक मशीन लर्निंग मॉडल्स, LLMs, एवरीथिंग। अगर तुम उन लोगों में से हो जो AI को अपोकलिप्स नहीं समझता एंड एक्चुअली उसके फ्यूचर वैल्यूज के बारे में सोचता है, देन भाई दिस वीडियो इज फॉर यू। आज वाली वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं, हाउ यू कैन लर्न AI ML एंड यू विल बी फ्यूचर प्रूफ। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। आई एम एन एक्स-मैक्स.com सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टार्टेड माय ओन स्टार्टअप, इट्स गॉट एक्वायर्ड दैट यू माइट नो नाउ, एंड या I'll talk about it more in the future videos. अभी देरी नहीं करते हैं, तुम्हें AI ML सिखाते हैं। तो रोडमैप से पहले यार थोड़ी फ्यूचर की बात कर लेते हैं कि तुम एक्चुअली इस रोडमैप को क्यों पढ़ो, क्यों तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, राइट? ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ ही रहा होगा, तो पहले उस क्वेश्चन को ही दूर कर देते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई शंका बचे ही नहीं, एंड तुम्हें पता चल जाएगी ये जो पूरा रोडमैप है इसको कंप्लीट करने के बाद तुम्हें किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। देखो अगर हम साइज और नंबर्स की तरफ जाएं तो 2024 से लेकर 2034 तक जो पूरी AI एंड मशीन लर्निंग वाली स्पेस है वो 35% से ग्रो होने वाली है। अब तुम इसे खुद ही समझ सकते हो कि जॉब मार्केट किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। पूरा वर्ल्ड तो छोड़ो, इंडिया ही इसराइल के साथ पार्टनरशिप के लिए काफी बातचीत कर रहा है एंड एक्सप्लोर कर रहा है अपने ऑप्शंस। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने ये अनाउंस किया कि 2030 तक वो 10 मिलियन इंडियंस को AI में ट्रेनिंग देने वाले हैं। एंड अगर तुम AI ML इंजीनियर की फ्रेशर सैलरी भी कंसिडर करोगे तो अगर तुम एक Tier 2 Tier 3 कॉलेज से आते हो तो तुम्हारी सैलरी स्टार्टिंग जो मिलेगी वो 10 LPA तक हो सकती है। एंड इफ यू कम फ्रॉम अ Tier 1 कॉलेज तो ये सैलरी स्टार्टिंग सैलरी तुम्हारी 30-35 LPA तक भी जा सकती है। एंड जो सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बेस सैलरी की बात कर रहा हूँ, CTC की नहीं। बाकी भाई तुम्हें अभी भी CTC और LPA और सैलरी में कुछ दिमाग में तुम्हारे कोई शंका है तो आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी, उसको जाकर देख लेना, सारी शंकाएं तुम्हारी दूर हो जाएंगी। तो भाई अगर AI ML में तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हें फ्यूचर परस्पेक्टिव दिख रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नई नई एडवांसमेंट्स वगैरह आती रहती हैं, तुम्हें नई चीजें लर्न करना पसंद है, एंड तुम्हें लगता है कि यार एक इंडस्ट्री में काम करके मैं बोर हो जाऊंगा, तुम्हें मल्टीपल इंडस्ट्रीज का एक्सपोजर भी चाहिए, सो दिस इज द राइट थिंग दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट, डू लर्न एंड भाई फिर बल्ले बल्ले। तो भाई बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें सीखनी पड़ेगी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज द कोर कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू लर्न फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। AI सीखने के लिए तुम्हारा बेसिक है मैथमेटिक्स। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें मैथ्स की सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, तुमने जो पूरा क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक किया था, उसके बाद कॉलेज में जो पढ़ी थी सारी तुम्हें मैथ्स चाहिए। देर आर मेजरली 3 टॉपिक्स दैट यू नीड टू लर्न, इसके बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ जल्दी से। सबसे पहले हमारा आ जाता है लीनियर एलजेब्रा, काफी ज्यादा यूज होता है थ्रू आउट। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, इनको तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हारा आता है मैट्रिसेस, सेकंड हमारा आ जाता है वेक्टर्स, इसके बाद तुम्हारी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आ जाते हैं, एंड कुछ कुछ इस टाइप के और टॉपिक्स भी आते हैं, वो सारे तुम्हारे स्क्रीन पर भी यहाँ पे आ रहे होंगे। अब इससे क्या होगा यार, तुम बेसिक डेटा की लैंग्वेज समझ पाओगे, इमेजेस, पिक्चर्स, ये सारी चीजें कैसे होती है, टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एंड ये सारी जो तुम्हारी मैथ्स होने वाली है मशीन लर्निंग में काफी बेसिक रोल प्ले करने वाली है। ये सब तुम्हें डेटा को प्रोसेस करने में, मैनिपुलेट करने में एंड और भी बहुत सारी चीजें करने में हेल्प करेगी। तो ये बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स तो मेरे एलजेब्रा वाला, लीनियर एलजेब्रा वाला जरूर सीखना पड़ेगा। भाई दूसरा हमारा आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मीन, मीडियन, मोड ये तो आना ही चाहिए, इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है एंड सिमिलर इस टाइप के टॉपिक्स तुम्हारी स्क्रीन पे सारे आ रहे होंगे, ये तुम्हें सीखने पड़ेंगे। अब ये सब सीखने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि ओवरफिटिंग से तुम कैसे बचोगे। अगर ओवरफिटिंग का तुम्हें मतलब नहीं पता है तो टेंशन मत लो, ओवरफिटिंग का मतलब यही होता है कि अगर हम किसी मॉडल को ओवर ट्रेन कर देते हैं तो वो टेस्ट डेटा पे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देता है बट एक्चुअल रियल वर्ल्ड में हक देता है।
तो वो चीज ना हो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड बेसिक तुम्हें आना चाहिए सारा जो तुम्हें स्क्रीन पे दिखाया था। अब सिमिलर है यार, तुमने एक तोते को बोलना सिखा दिया, अब तोते को तुमने एक वर्ड बोलना सिखाया, अब वो एक वर्ड तो बढ़िया बोल देता है, उसके अलावा तुम उसको कुछ भी बोलने के लिए बोलते तो वो नहीं बोल पाता है। सिमिलरली मशीन लर्निंग मॉडल्स को जब तुम ट्रेन करते हो, ओवरफिट कर देते हो, तो वो बस उसी ट्रेनिंग डेटा पे सही आंसर देता है, बाकी कुछ आगे वो कर नहीं पाता है। तो इस चीज से बचने के लिए तुम्हें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स अच्छे से आना चाहिए एंड बाकी सारे टॉपिक्स तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहे होंगे। तीसरा हमारा आता है कैलकुलस। भाई कैलकुलस से मेरे को भी डर लगता था 11 12th में, तुम्हें भी मेरे को लगता होगा, बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मशीन लर्निंग। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इंटीग्रल्स क्या होते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होती है एंड साथ साथ ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, ये चारों टॉपिक तुम्हें आने ही चाहिए। अब इस सब को सीखने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि पैरामीटर्स को तुम कैसे टॉगल वगैरह कर सकते हो, कहां पे ज्यादा चीज करने से एरर कम आएगा, एरर अगर तुम्हारा ज्यादा आ रहा है तो उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए ये सारी चीजें सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो तुम्हें सीखने पड़ेंगे फॉर मोर कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स। एक तुम्हारा आता है लीनियर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड दूसरा आ जाता है इन्फॉर्मेशन एंड ग्राफ थ्योरी। बाकी इन सब टॉपिक्स को कवर करने के लिए मैंने कुछ ऑनलाइन फ्री कोर्सेज तुम्हारे लिए ढूंढ दिए हैं, तो उसकी भी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तीन कोर्सेज हैं, एक IIT बॉम्बे का NPTEL पे कोर्स मिल जाएगा तुम्हें लीनियर अलजेब्रा का, सेकंड तुम्हें IIT मद्रास का NPTEL पे ही कोर्स मिल जाएगा कैलकुलस का, एंड फाइनली खान अकेडमी का कोर्स है एक, वो है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, सब चीजों में तुम्हारी हेल्प कर दी गई है। अब मैथ्स तो हमारी कवर हो गई है, नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है नंबर टू जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग में जो तुम्हें सीखना पड़ेगा वो है भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका नाम है पाइथन। पाइथन एक काफी अमेजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर तुम एक बिगिनर हो, तुम्हें कुछ भी नहीं सीखा है, तो भाई प्रोग्रामिंग सीखने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। पाइथन वॉज माई फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आई लर्न्ड इन क्लास 11th। मैंने गेम्स बनाए, मैंने स्नेक वाला गेम 11th 12th क्लास में बनाया था, तो काफी भाई बढ़िया मजा आया था। एंड यू कैन ऑल्सो लर्न इट, इट्स नॉट हार्ड। प्लेन सिंपल इंग्लिश जैसे लिखते हो, सिमिलर वे में तुम पाइथन भी लिख सकते हो। अब इसके साथ साथ पाइथन मशीन लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है, बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो यूज होती है फॉर मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे टेंसर फ्लो हो गया, साइकिट लर्न हो गया, कीरास हो गया, ये सारे कुछ लाइब्रेरीज हैं जो यूज होती हैं फॉर मशीन लर्निंग। अब ये सारी लाइब्रेरीज बेसिकली तुम्हें जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर रही होती है। इसके अलावा तुम्हें नंपाय और पांडास तो आना ही चाहिए, समझ भी आना चाहिए और यूज करना भी आना चाहिए। तुम्हारा डेटा इंटरप्रिटेशन एंड इसके साथ साथ मॉडिफिकेशन के लिए काफी ज्यादा यूज होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द लाइब्रेरीज एंड टूल्स दैट यू नीड टू डेफिनेटली लर्न फॉर बिकमिंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। अब इनको सीखने के लिए यार तुम इनका क्विक स्टार्ट गाइड देख सकते हो, इनकी वेबसाइट पे जाके सीख सकते हो। इट्स नॉट दैट टफ टू स्टार्ट विद, स्टार्ट करने के लिए तुम वहां से पढ़ो, बाकी तुम ट्यूटोरियल्स वगैरह देख सकते हो, आगे मैं तुम्हें लिस्ट भी दे दूंगा। अब भाई मैथ्स हमने सीख लिया, सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख लिया, बेसिक लाइब्रेरीज कैसे यूज होते हैं वो भी सीख लिया है। भाई तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए हो कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद हमारी आ जाती है मशीन लर्निंग। एग्जैक्टली अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि मशीन लर्निंग सीखनी कैसे है, क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल तो बताओ हमें, तो जल्दी बताते हैं। अब मशीन लर्निंग तुम्हारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फाउंडेशन होता है। अगर तुम ये नहीं सीखोगे तो तुम अपने इंटेलिजेंट सिस्टम्स वगैरह नहीं बना पाओगे। बट सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज मशीन लर्निंग। अब देखो मशीन लर्निंग सिंपल भाषा में कुछ नहीं है, एक ब्लैक बॉक्स है जिसको तुम इनपुट देते हो, तुम्हें कुछ आउटपुट दे देता है। अगर आउटपुट बढ़िया आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो तुम्हें अपने इनपुट को या फिर उस ब्लैक बॉक्स में कुछ कुछ चीजों को चेंज करना पड़ता है, इनपुट पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ता है ताकि तुम्हारा जो फाइनल आउटपुट है वो थोड़ा इंप्रूव हो जाए, या ब्लैक बॉक्स को थोड़े अच्छे तरीके से ट्रेन करना पड़ता है विद बेटर एग्जांपल्स। अभी पूरा प्रोसेस करने के लिए ना कुछ स्टेप्स होते हैं, बारी बारी स्टेप को समझते हैं, साथ साथ तुम्हें समझ आएगी क्या चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमारा जो स्टेप आता है वो डेटा प्रोसेसिंग आ जाता है। अब डेटा प्रोसेसिंग का एक सिंपल एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूँ। अब कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसको फ्रॉड डिटेक्शन के लिए अपने AI को ट्रेन करना है। अब तुम्हारे बहुत सारे जो यूजर्स हैं उनका बहुत सारा डेटा होगा, कुछ लोगों ने अपनी एज गलत डाल रखी होगी, कुछ लोगों ने अपना कुछ और इन्फॉर्मेशन गलत डाल रखी होगी। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गलत है, काफ़ी जगह मिसिंग गैप्स हैं, इससे अगर तुम मॉडल को ट्रेन करोगे तो हो सकता है तुम्हारा जो फाइनल मॉडल है वो अच्छे आउटपुट्स ना दे। इसलिए पहले डेटा को साफ करना, क्लीन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ही बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अब तुम्हारा डेटा प्रोसेस हो गया, नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो तुम्हारा आता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करना। अब मशीन लर्निंग बेसिकली दो टाइप की होती है, एक सुपरवाइज होती है, एक अनसुपरवाइज होती है। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा इनपुट कैसा दिखता है और तुम्हें पता है कि तुम्हारा आउटपुट कैसा दिखना चाहिए, तुम उस इनपुट एंड आउटपुट पर अपने मॉडल को ट्रेन करते हो। फॉर एग्जाम्पल अब तुम नेटफ्लिक्स देखते हो, तुम स्पॉटिफाई सुनते हो,
तुमने कुछ टाइप की सीरीज देखी। फॉर एग्जाम्पल तुमने नेटफ्लिक्स पे जाके देखा सेक्रेट गेम्स एंड स्क्विड गेम्स, तो उसको समझ आ गया तुम्हें थ्रिलर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो तुम्हें अपने आप ही काला पानी सजेस्ट कर देगा। दिस इज तुम्हारा सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि वो ऐसे ही डेटा पे ट्रेंड है कि अगर किसी को इस टाइप की चीजें पसंद है तो वो किस टाइप का कॉन्टेंट देख सकता है। अब ये बहुत इजी एग्जांपल है, एक्चुअली इतना इजी नहीं होता है। देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट दे टेक इनटू अकाउंट बिफोर रिकमेंडिंग यू समथिंग, एंड इसके पीछे ही बहुत सारे तुम्हारे मशीन लर्निंग एआई इंजीनियर्स लगे हुए होते हैं। अब सेकंड पार्ट जो आ जाता है वो आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को अगर एक मैं एग्जांपल से समझाऊं, तो तुम जब तुम कॉलेज में जाते हो तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, बट धीरे धीरे सब अपना एक अलग अलग ग्रुप्स बनाने लग जाते हैं। अभी अलग अलग ग्रुप्स कैसे बनते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को पहचान के एंड सब अलाइन करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को आर्ट पसंद है तो वो लोग आर्टिस्ट का एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ पे तुम सिंपली समझोगे कि लोगों ने इंटरेस्ट के बेसिस पे ग्रुप्स बना लिए, बट यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड डेटा नहीं था, कैटेगरीज नहीं थी। इसी को हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बोलते हैं कि तुमने कुछ सामने से बताया नहीं है, मॉडल ने अपने आप उन लोगों को अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दिया है एंड उसके बाद बता दिया है तुम्हें, कुछ प्रेडिक्ट कर देगा चीजें इसके बाद कि इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारा ग्रुप कौन सा होना चाहिए। अब अगर तुम मशीन लर्निंग के बेसिक समझना चाहते हो तो तीन चीजें तुम्हारे यहाँ पे आ जाती हैं, डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड उनका ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन। अब जितना भी तुमने अब तक सीखा है तुम्हें इस पे हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट बिल्ड करने पड़ेंगे, तुम्हें एक्चुअली सीखना पड़ेगा कैसे डेटा को क्लीन किया जाता है, उन पे मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, मॉडल्स को ट्रेन करना पड़ेगा, देन यू विल हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। That is what the industry is looking for. That is what recruiters are looking for. And इसके लिए एक platform भी है Kaggle. Kaggle पे जाके तुम्हें problems मिल जाएंगे, उन problems के लिए तुम data set वगैरह वहाँ से download कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा question होता है, लोग पूछते हैं कि भैया मैं data set कहाँ से लाऊँ, मेरे को machine learning सीखनी है बट मैं कहाँ से सीखूँ, कहाँ से लाऊँगा इतना सारा data, कहाँ से उसको train करूँगा अपने model को। You have your answer. Kaggle.com पे जाओ, वहाँ से अपना data set उठाओ, problem उठाओ and you can start practicing and build your own machine learning models. Also, एक काफी cool website है जिसका नाम है R2D3, जो machine learning को visuals and text की combination से बढ़िया तरीके से तुम्हें समझाता है, इसको भी definitely check out कर सकते हो। अब भाई machine learning के बाद next step क्या आता है, तुम्हारा question यही होगा। machine learning के बाद next step आता है जिसमें लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं because things are getting really tough. इसके बाद आता है भाई deep learning, जो तुम LLMs वगैरह देखते हो, जो तुम एक्चुअल रोबोट्स में इंटीग्रेशन देखते हो, जो भी तुम विजुअल फेशियल रिकॉग्निशन वगैरह देखते हो, वो सारे डीप लर्निंग के एप्लीकेशंस होते हैं। मशीन लर्निंग से तुम बेसिक चीज़ें सीख जाते हो बट एक्चुअल क्रेजी चीज़ें करने के लिए तुम्हें डीप लर्निंग सीखना पड़ता है। एक्चुअली डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग जो है पूरा चीज़ ना, वो तुम्हारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उस पे ही बेस्ड है कि कैसे न्यूरॉन्स फंक्शन करते हैं, उसकी स्टडी के ऊपर 1950 में ये सारी स्टडी एंड एडवांस एआई टेक्निक को इजाद किया गया था, बनाया गया था। बट भाई उस टाइम पे कंप्यूट पावर इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, एनवीडिया ने उस टाइम पे इतने क्रेजी जीपीयूज बनाए नहीं थे, तो 2012 के बाद हमारे पास इतनी क्रेजी कंप्यूट पावर आ पाई कि हम एक्चुअली ट्रेन कर पाए अपने मॉडल्स को डीप लर्निंग पे, उस वाले जो पूरा हमने एनालिसिस किया था पहले, जो पूरी थ्योरी थी उसको हम एक्चुअली प्रूव कर पाए उसके बाद। एंड ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे स्पीच रिकॉग्निशन हो गया तुम्हारा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई तुम्हारी, इमेज रिकॉग्निशन हो गया तुम्हारा, वहाँ पे सब यूज हो रहा होता है। अब AIML मास्टर करने के बाद कुछ डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम सीख सकते हो। सबसे पहले तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो न्यूरल नेटवर्क्स आ जाता है। अब ये पूरा भाई वही न्यूरॉन्स जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था उसी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है एंड ये बेसिक्स तुम्हें सीखने पड़ेंगे टू लर्न अबाउट डीप लर्निंग। अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है भाई ये तुम्हारे इमेज रिकॉग्निशन में बहुत ज्यादा मतलब मेजरली यही यूज होता है इमेज रिकॉग्निशन में एंड पैटर्न रिकॉग्निशन में। जो तुम फोन में अपना फेशियल स्कैनर यूज करते हो ना वो CNN पे ही बिल्ड होता है। CNN में यार कन्वेंशनल इमेज फिल्टर्स को यूज करके तुम्हारे जो एक्चुअल इमेज में फीचर्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जो तुम्हारे मॉडल को ना शेप एज एंड ऑब्जेक्ट को पहचानने में हेल्प कर देता है। जो तुम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह देखते हो ना कि ये बॉल है, ये फेस है, ये ह्यूमन है, ये गाड़ी है, वो सब CNN के थ्रू ही बनता है। थर्ड हमारा आता है RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। तब जितने भी तुम्हारे चैटबॉट्स हैं, वॉइस रिकॉग्निशन है, टेक्स्ट ट्रांसलेशन है, ये सब तुम्हारा RNN पे बेस्ड होता है। बेसिकली ये तुम्हारा स्पीच एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। तो अपने डीप लर्निंग के लिए ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हें सीखने ही पड़ेंगे। अब ये मैंने बहुत ईजी लैंग्वेजेस में बता दिए हैं, ये प्रॉपर बड़े बड़े कोर्सेज हैं। अगर तुम कोर्सेरा पे जाओगे और तुम मशीन लर्निंग से सीखना स्टार्ट करोगे ना, तो मशीन लर्निंग के बाद अनसुपरवाइज, सुपरवाइज लर्निंग, फिर डीप लर्निंग, डीप लर्निंग में तुम्हारे न्यूरल
न्यूरल नेटवर्क्स के बाद CNN अलग कोर्स होगा, फिर RNN अलग कोर्स होगा, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बाद भी भाई तुम्हारा अगर स्पेशलाइजेशन करने का मन करे तो एडवांस्ड AI टेक्निक्स होते हैं जो तुम सीख सकते हो। उनमें से एक है जिसकी वजह से तुम आज ChatGPT यूज़ कर पा रहे हो। सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसको कहते हैं NLP। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वही है जिसकी वजह से हम नॉर्मल लैंग्वेज लिख के ChatGPT से इंटरेक्ट कर पाते हैं एंड कंप्यूटर को समझा पाते हैं हम चाहते क्या हैं एंड कैसे प्रॉम्प्ट्स वगैरह लिखते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट्स के थ्रू उनसे बात कर पाते हैं। एंड यही तुम्हारा चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट सीरी, तुम्हारा ये एलेक्सा, इन सब के पीछे यही यूज हो रहा होता है। दूसरा हमारा आता है कंप्यूटर विजन। भाई कंप्यूटर विजन में, कंप्यूटर और विजन से तुम समझ गए होगे, जितने भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता है तुम्हारा, अब कैमराज में तुम देख रहे हो गाड़ी का नंबर प्लेट ट्रैक कर लेता है, ये सब तुम्हारा इसी कॉन्सेप्ट से यूज हो रहा होता है। सिमिलरली तुम्हारा फेशियल रिकॉग्निशन, जो तुम्हारी सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, वहां पे यही तुम्हारा यूज हो रहा होता है। अब एंड लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसको RL कहते हैं। जैसे हमने मशीन लर्निंग की बात करी थी तो अनसुपरवाइज, सुपरवाइज एंड RL थर्ड चीज होती है, जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं, बट इट इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड ये भाई RL के ऊपर बेस्ड ही तुम्हारा डीप सीख है, अगर तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो। RL बेसिकली सेल्फ लर्निंग के लिए यूज किया जाता है, चाहे तुम्हारी सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो, डीप सीख एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, वहां पे भी ये यूज होता है। एंड इसके साथ साथ गेमिंग, रोबोटिक्स एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज में RL को यूज किया जाता है। तो भाई ये तुम्हारा पूरा AIML का रोड मैप आ गया है। अब भाई ये तुम्हारा 1 महीने 2 महीने 3 महीने में नहीं हो पाएगा। All these things take time, they are tough to learn and they will take your time and patience. तो ध्यान से टाइम लगा के 7 महीने 8 महीने से 1-1.5 साल तक तुम्हें लग सकता है। धीरे धीरे चीज़ें पढ़ो, थोड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करो, इंटर्नशिप्स में अप्लाई करो, इंटर्नशिप्स में ट्राई करो, वहाँ जाके और चीज़ें सीखो एंड जस्ट कीप डूइंग इट। मजा भी आएगा, नई नई चीजें भी सीखोगे एंड थोड़े टाइम बाद क्या पता पैसे भी कमाने लग जाओ। मतलब वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को अब तक नहीं किया है तो। आई एम निशांत चार साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।